ये नौजवानों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि अगर हम लोग देख ले होटलों में इतने रश है, उससे चाहे कि लोग यहाँ पे आए के लिए और बाकी जितने लोग यहाँ पे फालतू ना बैठे, इससे अच्छा है कि आके मैच देख ले। इंशाल्लाह हम लोग तो जीत के उम्मीद से आए, इंशाल्लाह जीत के रहेंगे और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। ये नौजवानों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनको जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर रहे हैं, उन लोगों को खेल की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं और वो लोग मंशियात से और बाकी दूसरे मनफी चीज़ों से दो नंबर कामों से बच जाएंगे। और रमज़ान के लिए सबसे बेस्ट है कि हमारे जो बूढ़े जवान हैं, जो काम करने वाले, उन लोग को थोड़ा सुकून मिलता है, फुटबॉल देखकर इंजॉय भी करते हैं वो लोग। उनके लिए एक पैगाम यही है कि वो लोग भी स्पोर्ट्स के साथ नज़दीक हो जाएं, हम लोग के साथ ताउन करें, ख़ुद भी स्पोर्ट्स में आ जाए, स्पोर्ट्समैन बने और इसी से माशरा जो है सही हो जाता है। खेल अगर आप लोग खेल सकते हो तो लाजमी बात है, आपको माइंड जो है फ्रेश होता है, तो फिर आप दो नंबर कामों में जो है अपना वो टाइम भी ज़ाया नहीं करते और माशरे को भी तबाह नहीं करते। ठीक है सर, थैंक यू सर। पहले आप लोग यहाँ पे आए तो सर ये हमें कहना था कि ये टूर्नामेंट शहीद हुसैन अली एसवी के नाम से शुरू हम लोगों ने किए और ये थाउन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने किए और इस ऑर्गेनाइज़र जो है हज़ारा स्टार फुटबॉल क्लब है और इसमें हम लोगों ने टोटल टीमें ली थी 12 टीमें और अभी इसका ये आज का मैच जो है लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच है और इंशाल्लाह परसों तरसों इसका सेमीफाइनल होगा। 22 तारीख को हमारे थर्ड पोजीशन का है और 23 तारीख को इंशाल्लाह फाइनल होगा इसका। बिल्कुल सर, इस तरह के टूर्नामेंट हम लोग हमेशा करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम लोग हमेशा से करें ताकि हमारे जवान, हमारे बच्चे खेल की तरफ रागिब हो जाएं और बुरे, खासकर ये आजकल जो ये लूडो का एक वो चल रहे होटलों में, स्नूकर क्लब में, ये हम लोग चाह रहे हैं कि लड़के सारे ग्राउंड की तरफ आ जाए, तमाशाई भी आ जाए और हमारे जितने प्लेयर्स हैं उसकी हौसला अफजाई करें और यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल के मेहमान बने, ना कि खुदा न खास्ता कोई मुंशियात क्या दिए वो बने। और ये हम लोग चाह रहे हैं कि और हमेशा हम लोग हर साल और यही टूर्नामेंट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोग ये जो 4-5 साल तक खालिक साहब भी होंगे तो यही टूर्नामेंट हम लोग बिल्कुल 5 साल तक मुसलसल करेंगे और आप भी मीडिया वाले हमारे साथ दें। और आज पहली रात है कि अभी टूर्नामेंट का 14वां दिन है मेरे ख्याल में, तो प्रेस वाले आज पहले दिन आए हैं, हम बहुत खुश हैं और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ दें ताकि हमारे बच्चे, हमारे जवान स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो जाए और बुरे कामों से बचे रहे। हाँ बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से भी खालिक साहब हज़ारा चल खुद भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो ये टूर्नामेंट जो लोगों ने शुरू किया कम से कम आज तक इस पे ऊपर तकरीबन 10 लाख रुपये का खर्चा हुआ है। ये लाइटें हम लोगों ने नहीं खरीदी हैं, तो इसमें जब तक हुकूमत की तरफ से कोई फंड ना होगा तो ये हम लोग खुद बजाते एक क्लब नहीं कर सकते, तो इसमें खालिक साहब का बहुत बहुत तआवुन इसमें है। थैंक यू। ओके सर।